अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सस्ते आकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सस्ते आकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोदी कॉल पाकिस्तान पाक वीडियो ऑन इंडिया, से स्टार्ट करते हैं। मोदी साहब की मुबारकबाद आ गई है जी। कांग्रेचुलेशंस टू हिज एक्सीलेंसी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑन हिज इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इंडिया डिजायर्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन अ रीजन फ्री ऑफ टेरर सो दैट वी कैन फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड इंश्योर द वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर पीपल। ये नरेंद्र मोदी साहब की, खान साहब को जला रहे हैं आप। अमेरिका की बात आप कर रहे थे, भारत से भी मुबारकबाद आई है शहबाज शरीफ साहब को। कहा गया दहशतगर्दी से पाक खित्ते के ख्वाहिश में। वो मतलब ये है कि तुम दहशतगर्दी करते हो पाकिस्तान। वीक अगो यू सेड बेगर्स हैव नो चॉइसेस। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तानी पीएम कटोरा खान के दफा होते ही यूएस ने भारत को फोन किया और मोदी जी ने दे दी बधाई और साथ में दी एक चेतावनी कि हम हमारे देश के अंदर आतंकवाद मुक्त रखना चाहते हैं, यानी सीधा सीधा पाकिस्तान को कहा। जो परसों के रोज शहबाज शरीफ ने पीएम बनते ही राग अलापा था, उसके जवाब में मोदी जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि हम आतंकवाद मुक्त भारत चाहते हैं। अब पाकिस्तानी को टेंशन हो रही है, यूएस ने मोदी को कॉल क्यों कर दिया? क्या प्लानिंग चल रही है? क्या खतरनाक प्लानिंग करने वाले हैं दोनों मिलकर पाकिस्तान के लिए? और ऊपर से मोदी जी ने जो बात कही है आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को चेताया है, तो पाकिस्तान मीडिया की पूरी तरीके से सुलगी पड़ी है। पाकिस्तान मीडिया के अंदर इसमें चारों तरफ इसी में डिबेट हो रहा है, मोदी जी को लेकर, भारत को लेकर। तो इन पाकिस्तानियों के सर पे जो चिंता की लकीरें हैं, उन लकीरों को आप आनंद लीजिए, मैं भी आनंद लेता हूँ। और ये न्यूज वीडियो है, मैं आपको मिलूंगा सबसे आखिरी में। अरे दोस्त नाराज कर दिए, पाकिस्तान को तन्हा कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर खित्ते के अंदर तन्हा हो गया, बुरे हालात। अमेरिका की बात आप कर रहे थे, भारत से भी मुबारकबाद आई है शहबाज शरीफ साहब को। कहा गया दहशतगर्दी से पाक खित्ते के ख्वाहिश। वो मतलब ये है कि तुम दहशतगर्दी करते हो पाकिस्तान। इशारा होगा बराबर की सतह में तल्लुकात रखेंगे। ए वीक अगो यू सेड बैगर्स हैव नो चॉइसेस। इंस्टेंट मीडिया कुछ दिखा ही नहीं रहा, बहुत कम दिखा रहे हैं। फिर बहुत प्रेशर आया तो फिर दिखाना शुरू किया, कुछ चैनल्स ने दिखाया और जिन चैनल्स ने दिखाया उनकी रेटिंग इतनी बढ़ गई कि नंबर दो पे जो चैनल था उससे तीन गुना तक बढ़ गई। और वो क्या कह रहा है शहबाज शरीफ साहब, क्या फरमा रहे हैं? अब मिलजुल के गुर्बत का खात्मा करें। वो मुसलमानों का वो खात्मा कर रहे हैं। आप गुर्बत में आए हुए हैं। वो आज भी दो आदमी शहीद हुए वजारत खारजा ने उसकी मुजम्मत की। मुजम्मत क्या मतलब है? उनको बुलाए, देखते ना, अभी बुलाते हैं इंडियंस को जो कश्मीर में कत्ले आम हो रहा है और इंडियन मुसलमानों के कई इंडियन सफीर को बुलाते हैं, उसको कहते हैं कहते बड़ी कश्मीर के लिए उन्होंने भागदौड़ की। कौन सी कश्मीर के लिए भागदौड़ की? वो तो एक बयान भी नहीं देते कश्मीर के हक में, न उनकी साहबजादी देती। हाँ, ऑपोजिशन के होते हुए हारून साहब जिस दौर में ऑपोजिशन थे, तो ये सी पैक में बड़े क्वेश्चन आएगा। देखिए जो अमरीकी प्लान है वो ये है कि सी पैक महदूद हो, चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात महदूद हो, बतदरीज पाकिस्तान को चीन के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बनाया जाए। इंडिया ने तो जवाब दे दिया, आईटी में उनकी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने बहुत दबाव डाल दिया उनके एक, और वो इंडियन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दो माह में तो जंग होगी। पाकिस्तानी आर्मी और इंडिया चाइनीज आर्मी के दरमियान क्लोज कोऑपरेशन है, असला हम चीन से ले रहे हैं या बना रहे हैं उनकी मदद से, तो वो चेक कैसे सी पैक उसी तरह रहेगा। और बर्तानिया से यूरोपीय यूनियन से भी कह रहे ताल्लुकात बढ़ाएंगे, सभी से ताल्लुकात वो बढ़ा लेंगे, सब अरबों से भी, ईरान से भी, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो हमसे ताल्लुकात बढ़ाएंगे। किस बात पे, किस चीज के लिए ताल्लुकात बढ़ाएंगे? मुझे एक नारा याद आया, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, शायद बिलावल भुट्टो साहब ने लगाया था कश्मीर में इलेक्शंस की कैंपेन में और उससे पहले भी लगाया था, ये अब वाजे है। मोदी साहब की मुबारकबाद आ गई है जी। कांग्रेचुलेशंस टू हिज एक्सीलेंसी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑन हिज इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
India desires peace and stability in a region free of terror so that we can focus on our development challenges and ensure the well-being and prosperity of our people. ये नरेंद्र मोदी साहब इमरान खान साहब को जला रहे हैं आप? नहीं मैं ऐसे ना ना करें, आप चीजें ना ले, जला नहीं रहा, साबित हो गए, साबित हो गए। और देखें मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जब ये इलेक्ट हुए थे और अभी ओथ नहीं लिया था, जिस दिन रात अनाउंसमेंट हुई थी इलेक्शन की, उसी दिन 2018 की उस रात को ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुक चाहते हैं और मोदी अगर एक कदम बढ़ेगा तो हम चार कदम बढ़ेंगे। और इससे पहले रजब तैयब का फोन भी आ चुका है। रिलेशनशिप के एक तरीकेकार होता है, डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ, जाहिर है हम भी चाहेंगे अच्छे तेलकात हों, वो अलग बात है। कश्मीर का इशू है वो तो हम हर वक्त कहते रह रहे हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, पूरा अपोजिशन का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि पहले जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के साथ तहलकात जो हैं वो बेहतर नहीं, अमन कायम नहीं होगा, बेहतर नहीं हो सकते। तो लेकिन जो ये मुबारकबाद देना ये करना ये एक अलग बात है। लेकिन आपको अगर याद हो जब हिंदुस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन हो रहे थे और मोदी का तो पता था कोई ये नई पार्टी तो नहीं है बीजेपी और बाल ठाकरे और ये सारा सारे जो बैकग्राउंड है लेगेसी है उनकी पीछे क्या है उनका तरीकेकार हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ उनका क्या रहा है, इवन जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं वहाँ उनके साथ उनका रवैया क्या रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी, आलम आशकार बात थी, सबको पता था। उस वक्त अगर उनके कैंपेन में इमरान खान साहब जो पता नहीं क्या जो कहते हैं कि जी अगर मोदी आ गया तो बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान और भारत के तालुकात में तेलकात और कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, सही तेलकात अच्छे हो जाएंगे और कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, तो यानी दुआएं मांग रहे थे, इनकी ख्वाहिश थी इमरान खान की कि वहां जी मोदी आए, सही। और फिर मोदी ने आके जो काम किया तो ये तो उस बात सीधी बात है कि भाई आप किस तरह कह रहे थे, कोई नई पार्टी नहीं थी बीजेपी, कोई मोदी नया बंदा नहीं था, सबको पता था कि उनका क्या क्या रहा है इस सारे खिते के अंदर, पाकिस्तान के साथ क्या रहा है उनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप में और खुद कश्मीर के अंदर उसकी उनके क्या अमल रहे हैं। तो अब ये उसमें इतना वो बात कह देना कि वो जाहिर है वो सारे पाकिस्तानियों को तमाम मौबतन पाकिस्तानियों को बात नागवार लगी थी कि जो जिस शख्स को हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए, उसको पता नहीं था जब ये मुशर्रफ की वार ऑफ टेरर को सपोर्ट कर रहा था तो उसको उस वक्त पता नहीं था कि अमेरिका साम्राज्य है, उस वक्त पता नहीं था इसको मुखालिफ बन गए थे ना, फिर जब 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 ये ट्रंप के साथ जाके मीटिंग की तो उस वक्त क्या उसको पता नहीं था कि अमेरिका साम्राज्य है, फिर ये बाइडन की फोन का इंतजार करते रहे, मैसेजिंग करते रहे कि जी खुदा के वास्ते मुझे फोन कर लो, मैं फोन का इंतजार कर रहा हूँ, उस वक्त इसको पता नहीं था। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये उस वक्त उनको पता नहीं था, ये उस वक्त उनको पता नहीं था कि अमेरिका साम्राज्य के साथ स्टेट बैंक की इतनी सख्त लेजिस्लेशन। पाकिस्तान समय के साथ बद से बदतरीन मुल्क बनता जा रहा है, तब भी इन पाकिस्तानियों की हरकतों में, पाकिस्तान के लहजे में और पाकिस्तान के कर्मों में कोई फर्क नहीं आया। ये अभी भी भारत विरोधी सोच रखते हैं, वही कश्मीर को अपनाने की सोच रखते हैं, वही आतंकवाद समर्थित सोच रखते हैं, चाहे वो इनका मीडिया हो, चाहे इनकी पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इनकी आवाम हो। और इसी विचारधारा के चलते ही इन लोगों ने अपने आप को बद से बदतरीन हालात में ले जाके छोड़ दिया। और पाकिस्तानियों, मेरे को आके यूट्यूब पे गाली देते हो, अब तो इंस्टाग्राम पे भी चल गए, थोड़ी शर्म ही कर लो। मैं इंस्टाग्राम पे कौन सा पाकिस्तान के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ, आप यूट्यूब पे आके बोलो ना, ताकि आपको जो हिंदुस्तानी भाई आपका मुंह काला कर सके, आपको जवाब दे सके, क्योंकि यहाँ नहीं बोलेंगे, उनको पता है कि यहाँ पे हिंदुस्तानी लोग देखते हैं कमेंट और वो पिलाई कर देंगे और करते भी है। पूरा वीडियो आपने देखा, पूरा वीडियो के घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका और इसमें सिर्फ आपका राज होता है। तो कमेंट के अंदर कोई कमी मत रखिया कीजिए, कर दिया कीजिए जो भी दिमाग में चल रहा हो। और हमेशा की तरह एक बात मैं आखिरी में ज़रूर बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से, ये मेरा तकिया कलाम बन चुका है कि भाई का इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, ना भी लगे तो भी कर लो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जनाब, अच्छा ये जब भी कोई
प्राइम मिनिस्टर बनता है तो एक दूसरे कंट्री का या खासतौर पर पड़ोसी कंट्री का एक फ़र्ज़ बनता है और एक मुबारकबाद। इसमें कोई मेरे ख्याल में शायद तंज करना या ये चीज़ों की तो मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसी सोच होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आवाम का ये सोचना है कि जब इमरान खान आए थे ना, तब जैसे जो जश्न मनाए गए हैं, जो पार्टीज़ हुई हैं, जो खाया और खिलाया गया है, इस पैमाने की और इस तरीके की सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिली थी। इस दफ़ा जो हुई है शहबाज शरीफ में, कि हर किसी ने मुबारकबादें दी हैं, सब बड़े मतलब पार्टीज हुई हैं, बड़े बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशन हुई है। ये यूनिक किस्म की बहुत ज़्यादा वो हमारे एक एंकर पर्सन ने तो कहा था 3-3.5 साल के बाद जाकर खा पाया हूँ, ना खाता था ना खाने देता था, तो ये चीज़ नहीं दिखी थी। तो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी दफ़ा में इतना मतलब जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुबारकबादें आ रही हैं, तो इमरान खान की दफ़ा में क्यों ऐसा मतलब तजाद किया गया? असल में वो तो एक प्रॉपर इलेक्शन हुए थे और पता था जीत रहे, लेकिन ये कि यहाँ तो एकदम से एक होता है ना लॉटरी लग जाना, लेकिन टेम्परेरी है ना ये, तो टेम्परेरी है, वो तो जीत कर आए, एक बंदा मेहनत से आया, साल डेढ़ साल बाद वैसे ही इलेक्शन है, फिर देखें क्या होता है। और मैं कहता हूँ कि वैसे तो अगर देखा जाए तो इमरान खान को इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए थी सीट के लिए। आपको पता है 6 महीने पहले कैंपेन शुरू हो जाती है, किस चीज़ की? अगले इलेक्शन की। डेढ़ साल वैसे रह गया था, 4.5-4 साल हो चुके हैं इमरान खान को तकरीबन, अगर कुल मिला के देखा जाए तो साल रह गया था। अच्छा, अब एक साल के लिए इतना लड़ना, बिल्कुल इतनी उनके पार्टीज के लोग यही कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये जो साल रह गया था ना, ये कंप्लीट करके ही उतरते, कोई और बैठता, वो नवाज शरीफ होता, शहबाज शरीफ होता, बैठने देते उसे, जरदारी होते, कोई भी पार्टी होती, जमात इस्लामी की जो पार्टी है वो होती, तो वो ये कह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें सारा गुस्सा यह है कि इनको उतारा गया है, ज़बरदस्ती क्यों उतारा गया? जब एक इंसान ने 3.5 साल निकाल लिए तो साल भर और लेने देते, देख लेते क्या वो दिक्कत के दिखा रहे हैं 3.5 साल में भी। अच्छा, एक लड़का मैंने आई थिंक पहले भी बताया आपको कि नॉर्मली वो जाके वसीम बादामी इंटरव्यू ले रहे थे, इकरारुल हसन, तो उन्होंने उस लड़के से जब पूछा तो उस लड़के ने कहा कि हमारा फ़र्ज बनता है कि जो भी इलेक्ट होकर आता है, जो जीत कर आता है, जो कुछ करना चाहता है, तो हम उसको कम से कम 5 साल की उसकी हुकूमत कंप्लीट तो होने दें, ताकि बाद में उसके पास जवाब ये ना हो कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, आपने मेरा तख्ता पलट दिया, आपने मुझे करने नहीं दिया। तो अभी इनके पास यही जवाब है कि जी मुझे तो ना उतार दिया गया, तो मैं बहुत कुछ करने वाला था तो मैं कर नहीं पाया, तो मुझे तो करने नहीं दिया गया, तो ये चीज़ नहीं सुनने को मिलती। फिर ये 5 साल अगर कंप्लीट कर लेते फिर कोई और गवर्नमेंट आती तो आती, बिल्कुल, और इतनी हमदर्दी, इतना मसले मसाइल भी नहीं होते, ये जो बहुत हीरो बन गए, लोगों की जिद बन गए, ये नहीं होता। बस इस तरह से इत्तफाकात कुछ ऐसे हुए कि जिसमें ज्यादा इनको ज्यादा प्रमोशन मिली है, प्रमोशन बोले या पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा मिल गई, ज्यादा पहले से ज्यादा हो गए, और अब तो मामला ये हो गया कि पाकिस्तान पर बात आ गई ना, यानी कि एक तो था पीटीआई और एक था इमरान खान, अब तो एक तरह से इमरान खान को वो समझा जा रहा है या उस तरह से लिया जा रहा है कि जैसे कोई एक मसीहा होता है, मुल्क बचाने वाला होता है, हमारी आखिरी उम्मीद। अच्छा, मैं ये समझता हूँ बहुत है 50% लोग, 60% लोग, लेकिन आपने कुछ पहले कुछ वीडियोस में बोला कि 80% लोग मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, एक आप रफली बता रहे हैं अपना आइडिया, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो एक इनकी ही पीटीआई की ही कोई खातून थी, लेकिन घरेलू टाइप की, बहुत घरेलू टाइप की लग रही थी, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आई हुई थी, रात के 12-1 बजे उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा, तो उन्होंने कहा आपको पता है मैं क्यों आई हूँ, मैं इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे आँख खोलें ना इस मुल्क में, तो वो गुलामी के उसमें आँख ना खोलें, गुलामी के दौर ये मामला हो गया, वो आज़ाद मुल्क में आँख होने, जैसे हमने आज़ादी देखी ना तो हमारे बच्चे भी आज़ादी देख पाए, मैं अपने उन बच्चों के लिए निकली हूँ कि मेरे बच्चे आज़ाद हों, ये तो जो पहले से ही कहते हैं कि हम गुलाम हैं, तो ये हमें क्या आज़ादी देंगे? अच्छा, आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ है, तो इसका मतलब है नवाज शरीफ है। हाँ, वही। आपको पता है उस दौर में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इंडिया के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर थे, मतलब लेन देन, तजारत, मूवीज़ लगती थी, इंडियन मूवीज़ हमारे यहाँ सिनेमा में लगती थी, तो इतने मसले मसाइल नहीं थे। अब ये इमरान खान के बाद हुआ था पाबंदियाँ, तजारत बंद हो गई थी, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या मतलब मैं वैसे एक जनरली आपसे मामला बहुत अच्छे होंगे, कम से कम इंडिया के साथ मामला अच्छे होंगे, कम से कम इंडिया के साथ नहीं, यूएस के साथ भी अच्छे होंगे माशाल्लाह से, क्योंकि हम बेटर चूजर हैं, बेटर बेगर हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स ना, हमें तो सबसे ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। दिल से खुशी होगी मुझे इस बात के लिए कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे, ट्रेड होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात, ये एक वीडियो में ही मुझे आइडिया हो गया था
कि मोदी जी के नज़दीक, या मैं ये कहूँगी कि हमारे जो पीएम थे नवाज शरीफ, उनके नज़दीक मोदी जी और इनकी बहुत अच्छी, मैं ये कहूँगी, मेल मिलाप कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें या इज़्ज़त कह लें, दोनों एक दूसरे की करते हैं वो इस तरह के तरीके से कि वो अफगानिस्तान गए थे तो उन्होंने कॉल करके कहा था कि पाकिस्तान से भी होते हुए चले जाएँ। फिर उनकी शादी में भी हमने देखा कि शिरकत करी थी मोदी जी ने। तो मुझे ऐसे ही लगता है, सियासत को हटा भी दें, हुकूमत को हटा भी दें, तो मुझे ऐसे भी लगता है कि इनके टर्म्स अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ना कहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान ने वाकई ऐसा कहा था कि अगर मोदी की गवर्नमेंट बनती है, मोदी जी की थी, बाकायदा कहा था कि मोदी, लेकिन लोगों के जहन में ये था। देखिए मैं पाकिस्तानी, जैसे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से पहले थोड़ा सा आ जाता हूँ, तो मोदी जी का समझा जाता था कि कट्टर हैं और बीजेपी के हैं और सपोर्ट करेगी, मुसलमानों के खिलाफ है, तो एक पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट ऐसा है मोदी जी से रिलेटेड। तो उस वक्त इमरान खान ने जब ये कहा था कि मोदी जी के आने के बाद मसले बेहतर होंगे, मसाइल हल होंगे, कश्मीर का मसला भी हल होगा, ये उन्होंने एक अपनी एक स्पीच में कहा था, तो लोग हैरान भी थे कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग तो उलट समझते हैं। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है? अब ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अपना, जब तक पीएम हैं, मोदी जी ने वो डिलीवर नहीं किया पाकिस्तान को लेके, यानी कि पाकिस्तान को और ज़्यादा एग्रेसिव देखना चाहिए था, मोदी जी का रवैया ठंडा है। अच्छा, मैं आपको ये बात बता, अब मुझे पूरी बात कर लो तो मोदी जी का रवैया ठंडा, ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। सही सही, मैं समझ गई कि मोदी जी का रवैया इंडिया वालों की तरफ से, मतलब पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि इंडिया वाले ये कह रहे हैं या सोचते होंगे कि मोदी जी ने सही अपना हल नहीं दिखाया, मतलब पाकिस्तान को लेके, अब उनकी तवज्जो योगी जी की तरफ है। और योगी जी, पाकिस्तानियों का खौफ बता रहा हूँ मैं, कि योगी जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और वो मसला कश्मीर भी हल करेंगे और पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू या पाकिस्तानी जो जर्नलिज्म है या एनालिसिस्ट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं। सही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, मोदी जी बुरे नहीं हैं, हमारे इमरान खान भी, मैं कहूँगी एक वक्त में हो सकता है उनसे कुछ फैसले गलत हुए हैं लेकिन वो बुरे नहीं हैं, ठीक है। अब मैं ये कहूँगी होता क्या है, होता ये है कि किसी इंसान से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लो आप, जैसे कि पहले से ही उम्मीदें लगा ली गई मोदी जी से कि वो आएंगे तो मसले मसाइल हल हो जाएंगे, वो आएंगे तो बातचीत और अलग लेवल पर होगी, वो आएंगे तो बहुत कुछ बेटर हो जाएगा। अब उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एफर्ट्स करी, कोशिश करी, बहुत कुछ करा होगा और बहुत चीज़ों को मद्देनज़र रखकर करा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें नहीं दिख रही होती हैं लेकिन उसमें बहुत सारी मसलियतें होती हैं जिसको देखकर, मद्देनज़र रखकर इंसान कोई फैसले करते हैं। फिर वो तो इतने बड़े पीएम हैं तो वो तो हर तरीके से सोचते होंगे, मैंने जहां तक जितना उनको समझा है कि वो शायद ही कोई रास्ता छोड़ते होंगे सोचने का, वो हर तरीके से हर व्यू से सोचते हैं। इसलिए इमरान खान के नज़दीक या बाद में उनके जो भी दुनिया जो भी मसले मसाइल हुए हैं वो यही हुए हैं कि उन्होंने पहले बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था मोदी जी से, लेकिन उसके बाद जब वो डिलीवर नहीं हुआ जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को सोचा फिर फैसले करे, ऐसी तो फैसले नहीं करे कि इमरान ने मुझसे उम्मीदें लगा ली हैं या इमरान या मोदी जी ने इमरान से कुछ सोच लिया और वो नहीं कर पाए, तो वो भी ये कहेंगे कि मैं पूरा रियासत ही चला रहा हूँ, पूरा मुल्क चला रहा हूँ, मैं हर चीज़ को देखूंगा, हर तरीके से समझूंगा, फिर कोई फैसला लूंगा। तो इसके बाद शायद जो दूरियां जो मसले मसाइल हो गए तो हो गए, लेकिन मैं वाकई हैरान हूँ, मुझे नहीं पता था कि बाकायदा मोदी जी के लिए दुआएँ हुई हैं, मोदी जी को इतना सपोर्ट किया जा रहा था इमरान खान की तरफ से। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इमरान के दौर में आगे बढ़ते, वो तो जब बढ़ते कि जब मैं समझता हूँ कि यहाँ के अंदरूनी मसाइल हमारे हल होते, हमारे मसाइल हल हो चुके हों, हमारे यहाँ महंगाई का मसला हल हो चुका है, तो हम बैरूनी मसाइल की तरफ जाते ना, हम तो अपनी ही मसलों में इतने उलझे रहे हैं, अपनी ही परेशानियों में, महंगाई मुसलसल बढ़ती रही, आपको पता है मुसलसल अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद किया हुआ था काफ़ी टाइम से, इससे पहले रैलियाँ भी हुई, इससे पहले तहरीक लब्बैक ने भी मसले मसाइल किए, बहुत मसले मसाइल रहे हैं ये, और एंड में आके हुकूमतें गिर गई। अच्छा, एक ये होता है और दूसरा ये होता है, मैंने अभी जो वीडियो में सुना कि वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने ये कहा था कि अगर वो एक कदम बढ़ाएंगे तो हम चार कदम बढ़ाएंगे, तो मैं ये कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत अच्छी थी मोदी जी को लेकर, बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद थे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मसले मसाइल की आप बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने पूरी तरीके से काम ही नहीं कर पाती, अपने हाथों फैला ही नहीं पाती पाकिस्तान में, मैंने जहाँ तक समझा है, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये अपोजिशन का प्रेशर,
मसले मसाइल, निजी मसले मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, दूसरी चीज़ों के मसले मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वर्क करना चाहिए ना एक सिस्टम को, वो सिस्टम वैसे वर्क नहीं कर पाता। उसकी वजह भी मोदी जी ने बताई है, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं है। मोदी जी ने बताया कि हम बात किससे करें, काम कैसे हो। ठीक है, अच्छा, इमरान खान ने खुद खुलकर बोला कि मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाता था, मैं जो करना चाहता था मैं वो नहीं कर पाता था प्रेशर की वजह से। मैं ऐसे लगता था कि मैं जकड़ा हुआ हूँ जंजीरों में। मैं कहूँगी, मैं क्या बोलूं कि ऐसी हुकूमत जो खुद जंजीरों में जकड़ी हुई है। लेकिन अब देखते हैं गवर्नमेंट चेंज हुई है, हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन मैं दुआ तो मैं करूंगा, मैं दुआ तो करता हूं कि यार हालात बेहतर हों, लोगों की परेशानियां ख़त्म हों। लेकिन यकीन करें, मुझे मजीद बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे मतलब है कि कहानी जो है वो बिगाड़ की तरफ जा रही है। लेकिन मेरी शदीद किस्म की दुआ है कि मेरी जो सोच है शायद वो गलत साबित हो और हालात बेहतर हो पाकिस्तान के भी। और यहाँ के लोगों का क्या कसूर, यहाँ के लोग तरक्की क्यों ना करें, यहाँ के लोग ज़िंदगी अच्छी क्यों ना गुजारें। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।